आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म दिन मना रहे हैं, जिसको हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आलम इस्लाम के अंदर निकाला जाता है। और आज आशिकान रसूल तमाम मुल्क हिंदुस्तान, क्या तमाम आल इंडिया लोग निकाल रहे हैं इसको, और ये अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। और तमाम आशिकान रसूल, क्योंकि उन्हीं के सदक़े में हमें जो कुछ मिला है, उन्हीं के सदक़े में मिला है। अगर हमें इस्लाम मिला तो उन्हीं के सदक़े में, कुरान मिला तो उन्हीं के सदक़े में। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुछ पैदा किया है, नबी के सदक़े में पैदा किया है। और ये आशिकान रसूल अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, जैसे तमाम अपनी अपनी कौम के लोग, मतलब ये कि गुरुद्वारे वाले जो है नगर कीर्तन निकालते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए आसान सी भाषा में कि हम जो है जिस तरह से नगर कीर्तन है, इसी तरीके से ये नगर कीर्तन है, नबी का जन्म दिहाड़ा है। तो मैं तमाम अपने डाबवाली के तमाम शहरवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और तमाम लोगों को, और खुसूस तरीके से हमारे शर्मा जी जो हमारे बीच आए, और इन्होंने आ कर के हमारी हौसला अफजाई की। और माशाल्लाह ये अहमद रज़ा जमा मस्जिद से ये निकाला जाता है, पूरे शहर के अंदर घूमा जाता है, और ये आशिकाने रसूल घूमते हैं और अपने नबी से मोहब्बत की ग़ुलामी का सबूत पेश करते हैं। और हमारा ये भी कहना है कि हम तमाम शहरवासी, तमाम मुल्क हिंदुस्तान से मेरा यही कहना है कि हम अपनी गंगा जमुना जो तहज़ीब है उसको बरकरार रखें। हिंदुस्तान जब ही मजबूत होगा जब भाईचारा मजबूत होगा। और आज आप ये झलक जो देख रहे हैं, ये एक मोहब्बत की झलक है, जो हमारे शर्मा जी बीच में आए हैं माशाल्लाह। तो ये एक अलग मोहब्बत का, मैं चाहूँगा कि अपने शर्मा जी से कुछ आप दो शब्द। मैं पहला तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन की आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, देश और प्रदेश वासियों और आड़वड़ वासियों को, क्योंकि गुरबाणी के बड़े सुंदर माँ वाकों च लिखा है, एक मूर्त अनेक दर्शन की नरूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। परमात्मा एक है, परमात्मा जो आपदे शक्तिशाली महान शख्सियत इस संसार के उत्ते भेजता है, जिमें गुरु नानक साहब आए, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए, भगवान राम आए, मुहम्मद साहब आए, इन्होंने सिर्फ तो सिर्फ एकता का पाठ पढ़ाया। कुछ राजनीतिक पार्टियां होंदियां ने जो राजनीति करने वास्ते साडे विच वैर विरोधता फैला के आपदे स्वार्थ नूं सोल कर दियां ने, असी उन्हां तों उपर उठ के एक सब तो वड्डा इनसानियत नूं अपनाउणा है ते देश नूं अगे लैके जांदा काम करना है। मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं बोल सकता, क्योंकि जिन्ना कुछ मर्जी बोलो पर शॉर्टकट में साडे पिता जी कहिंदे हुंदे सौहत रस्सा सिरे ते गंड, जिन्ना बोलो उन्दे उत्ते चलन की भी कोशिश करो। मुहम्मद साहब की मैं बहुत बहुत आप सबको उनके जन्मदिन की मुबारक देता हूँ।